हेलो एंड वेलकम टू अमेजिंग इजी कुकिंग। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं खट्टी मीठी और चटपटी कद्दू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है ये सब्जी। आसान तरीके से घर पर आप इसे बना सकते हैं और पूरी के साथ तो ये बहुत ही अमेजिंग लगती है फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप जरूर से नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट। खट्टी मीठी और चटपटी कद्दू की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए कद्दू या कोहड़ा, मेथी दाना, गुड़, लहसुन और लाल मिर्ची, फ्रेश हरे धनिया के पत्ते फाइनली चॉप्ड, हींग, नमक, मस्टर्ड ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और आमचूर। आइए दोस्तों बनाना सीखते हैं खट्टी मीठी चटपटी बहुत ही लाजवाब टेस्टी कद्दू की सब्जी। तो ये है हमारा कद्दू कोहड़ा जिसे हम कहते हैं। बहुत पौष्टिक होता है फ्रेंड्स और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो कद्दू को फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से धो लेना है पानी से और अब हम इसे कट करेंगे। हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसके हम बीज निकाल लेंगे। इसका छिलका निकालना ऑप्शनल होता है फ्रेंड्स, आप छिलके के साथ भी इसे काट सकते हैं और छिलका हटाकर भी काट सकते हैं। अगर कद्दू का छिलका बहुत हार्ड है दोस्तों तो उसे जरूर निकाल दें और अगर वो सॉफ्ट है तो आप उसे रख भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम छिलके के साथ में काट रहे हैं, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इन्हें काट लें। अब ये कद्दू छोटे छोटे पीसेस में कट कर तैयार है, बहुत ही लाजवाब दिख रहे हैं। जल्दी से हम बनाते हैं इसकी चटपटी खट्टी मीठी सब्जी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टोव को ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे कढ़ाई जिसमें हमें बनानी है सब्जी। कोहड़े की सब्जी बना रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ हम। कढ़ाई जब गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल और अब हम तेल को गरम होने देंगे। मस्टर्ड ऑयल में फ्रेंड्स बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए इस सब्जी को आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। तेल जब गरम हो जाए तो उसमें अब हम डालेंगे मेथी दाना और साथ ही हम डालेंगे क्रैकल होने लगे हैं हमारे मेथी दाने। स्टोव को हम फ्लेम को कम कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों बारीक कटे लहसुन और हमने एक लाल मिर्ची डाली है इसमें फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों क्योंकि इसमें हमने डाला है लहसुन और मेथी दाने। हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन कर देंगे लहसुन को और अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे कद्दू जो हमने काटे थे छोटे छोटे पीसेस में। वाओ ये हमारे कद्दू के पीसेस हमने इसमें डाल दिए और इन्हें हम चला लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की। अब हम इसे ढक देंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर ताकि हमारे कद्दू गल जाए अच्छे से। अब 2 से 3 मिनट बाद हम इसे उठा कर देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों कुछ ऐसा टेक्सचर आ रहा है, कद्दू अब थोड़े थोड़े से गल गए हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर हम दोस्तों सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। प्यारा कलर आ रहा है फ्रेंड्स और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तैयार हो रही है हमारी खट्टी मीठी चटपटी सी क
कद्दू की सब्जी। अब दोस्तों इसे हम ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें गल जाए। इस टाइम आपके स्टोव की फ्लेम सिम पे रहनी चाहिए। 5 से 6 मिनट बीत चुके हैं। आइए दोस्तों अब हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के से गल गए हैं हमारे कद्दू। भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये हमने डाला धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और अब हम सभी मसालों को फ्रेंड्स इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही चटपटी बनने वाली है। सभी मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाने चाहिए फ्रेंड्स। अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। फिर से ढक देंगे गलने के लिए। इस समय आपके स्टोव की फ्लेम लो पर होनी चाहिए। 6 से 7 मिनट बीत चुके हैं लगभग। और ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा टेक्सचर आया है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, क्योंकि ये हमारी है खट्टी मीठी टेस्टी सब्जी। तो अब हमने इसमें गुड़ ऐड किया है फ्रेंड्स। और साथ ही डालेंगे हम अमचूर पाउडर। वेरी वेरी टेस्टी टच आता है फ्रेंड्स इससे। बहुत टेस्टी सब्जी बन रही है हमारी, आप देख सकते हैं। और खुशबू है इसकी लाजवाब। और देखने में फ्रेंड्स बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, ये देखिए। हम थोड़ी देर के लिए इसे फिर से ढक देंगे। तो अब 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसे ढके हुए। और ये देखते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर नहीं ढकना है। ये बिल्कुल अब रेडी हो गई है सब्जी हमारी। बहुत अच्छा टेक्सचर आया है दोस्तों, खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की कोहड़े की सब्जी है तैयार। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, एंड वेरी वेरी डिलीशियस। कितनी सुंदर दिख रही है हमारी सब्जी, और खाने में भी होती है बहुत ही लाजवाब। तो आइए दोस्तों अब हम फ्लेम को करेंगे बंद और सर्व करते हैं हमारी कद्दू की खट्टी मीठी चटपटी सब्जी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी टेम्प्टिंग, वेरी वेरी डिलीशियस कद्दू की चटपटी खट्टी मीठी टेस्टी सब्जी झटपट से हो गई है तैयार। और आपने ध्यान दिया होगा फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही कर गए। तो रेडी है दोस्तों लाजवाब बेमिसाल बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटपटी कद्दू की सब्जी। और इसे अब हम गार्निश करेंगे फ्रेंड्स फ्रेश हरे धनिया के पत्तों के साथ। वाओ, बहुत ही डिलीशियस है फ्रेंड्स ये। तो झटपट से इसे आप ट्राई करें। बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ घर बैठे आप इसे बना सकते हैं। पूड़ी के साथ कद्दू की ये लाजवाब सब्जी आप जरूर ट्राई करें अपने घर पे। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है फ्रेंड्स। तो झटपट से इसे अपने घर पर ट्राई करें दोस्तों, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम इसी तरह की अमेजिंग इजी रेसिपीज के साथ आपके सामने आते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों अमेजिंग इजी कुकिंग में। थैंक यू।